किसी की जिंदगी चली जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखों के अंदर में कोई शर्म और लिहाज नहीं है। वो कहते हैं कि आप ड्रामा कर रहे हो, आप ये देखिए क्या बोला आपको, ड्रामे कर ले बाहर, कल गेट के सामने पीछे जाओ। अच्छा गेट के बाहर आ रहा था, पुलिस वाला सामने बोला है कुछ नहीं बोला कि बहन चुका मैं आ रहा हूँ, बहन चुका आ रहा हूँ, ये बोल रहा था। सत्ता केस को दबाया ना जाए सर, केस को दबाया ना जाए, केस चालू रखने का। आपको केस को दबाया जा रहा है? हाँ केस को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। सर अभी हम परिसर में है, सर हम अभी परिसर में है, एक मिनट को सर, हमने खाने पहले फोन किया था, बंदा नहीं है सर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर, एक मिनट सर, कोई बात नहीं, हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अगर हम लोग लेकिन आप ऐसा मत करिए, ऐसा आप बता दीजिए, ये कर दीजिए, हमारा हमारा जो काम है सर हम बाहर भी कर रहे हैं। एक मिनट सर, हम इस समय थाने के परिसर में खड़े हैं सर, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? रिपोर्ट लिख करके दोगे डॉक्टर के खिलाफ में? डॉक्टर ने जो है वो बच्चे को बच्चे के साथ और लोगों के साथ मारा पीटी किया, मारा पीटी किया। अच्छा, तो इसके इसके बाद हमारे पब्लिक अगर डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं तो उनके भी एक्शन उठाया जाता है ना, डॉक्टर भी क्यों नहीं एक्शन किया गया? कल 6 बजे का डेट किया हुआ है, हम लोग धक्के खा रहे हैं, पोस्टमार्टम के चाहिए तो 50,000 रुपए दो, डेड बॉडी लेकर के जाओ। ये आचार्य भिक्षू के अंदर में आपसे बोला, मारने के बाद भी कर रहा था कि नहीं देगा ना तो यहाँ से भाग जाने, तो इतना मारूंगा ना कि तेरा यही मर जाएगा, तू भी मर जाएगा, तेरा माँ भी मर जाएगा। हम सीधा कहे कि देखो हमारी माँ मर गई, हमारी माँ मर गई, हमारे को लाश दे दो, हम चुपचाप अपना चल जाए, 50,000 दे दो, दे दो, दे दो, मार के मुंह दूंगा नहीं तो भाग लो, देखने भी मुझे इलाज कोई नहीं, आप लोग गेट पे आइए, गेट पे बोलिए, आपको जो करना करिए आप लोग। हाँ यहाँ आप लोग आज शूटिंग मना रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, आपके सामने कोई नहीं, चालू करना जरा, आपके चालू करिए, जा रहा है कि यहाँ ड्रामा कर रहा है, चालू चालू कीजिए जरा, इधर इधर आ जाओ, आपके सामने बोला जा रहा है कि ड्रामा है यहाँ पे। अभी जब हम लोग कीर्ति नगर थाने के पास में आए, इनके परिजन जो है वो सामने गए हैं मिलने के लिए, उनको बैठाने की कोशिश करी गई, उससे बात करा गया, लेकिन इसी बात के ऊपर में किसी की जिंदगी चली जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस के आंखों के अंदर में कोई शर्म और लिहाज नहीं है। वो कहते हैं कि आप ड्रामा कर रहे हो, आप ये देखिए परिजन जो है वो सामने है, या ये ड्रामा कर रहे हैं, उनका एक परिवार का हिस्सा जो है वो जा चुका है और वो ड्रामा क्या बोला इन्होंने, क्या बोला आपको? इन लोग ड्रामे कर ले बाहर, कल गेट के सामने पीछे जाओ। अच्छा गेट के बाहर निकल, बाहर बाहर निकल जाओ, ड्रामा कर रहे हैं हम लोग, कल यहाँ पे एक बंदा मार रहा था, यहाँ पे पुलिस वाला सामने बोला है कुछ नहीं बोला, कह रहा की बहन चुक मैं आ रहा हूँ, बहन चुक आ रहा हूँ, खाली ये बोल रहा था, चप्पल भी पुलिस वाले नहीं मारा, आजकल के पुलिस वाले भी कोई रिएक्शन नहीं लेते, सामने यहाँ गेट के सामने मार रहा था, बोला दो हाथ मारा इनको। ये आप देख सकते हैं इस समय कीर्ति नगर थाने के अंदर में सभी परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सामने बिल्कुल सामने एम्बुलेंस के अंदर में बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो चुकी, अभी हुई है, ये FIR दर्ज करा रहे हैं उस डॉक्टर के खिलाफ कि इनकी FIR जो है वो दर्ज हो। अभी इस समय जब ये मीडिया बुलाई गई है उसके बाद में तत्पश्चात जो है इस केस को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिर में हैंडल किस तरीके का जब मीडिया के सामने कोई बात नहीं होने देगा। अभी इन लोगों जब ये लोग अंदर जा रहे हैं तभी बोल दिया जा रहा है कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, आखिर में एक परिजन जो है वो क्या सवाल नहीं पूछ सकता? केस को दबाया ना जाए सर, केस को दबाया ना जाए, केस चालू रखने का। आपको केस को दबाया जा रहा है? हाँ केस को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया नहीं जा रहा है, पुलिस वाला के जेब में गबर आ गया, ड्रामा कर रहे हैं, हकीकत होता है कि पुलिस वाला पकड़ के ला रहे हैं, अच्छा अभी कर रहा है, क्यों नहीं डॉक्टर ने अरेस्ट हुआ, होना चाहिए था।
ये देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, इस समय जो है वो यहाँ पर सर अभी हम परिसर में है, सर हम अभी परिसर में है, एक मिनट रुको सर, इस समय सर 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 समय हम परिसर में है सर, आज सर हम लोग खाने परिसर में, हम लोग अंदर नहीं है सर, मेरी सर मेरी मेरी बात सुनो सर, एक मिनट सर, कोई बात नहीं, हम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अगर हम लोग सर मैं काम कर रहा हूँ, सर मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल हम आपसे कह नहीं रहे, लेट हो गया तो पानी जी करो तो नहीं करिए, लेकिन आप ऐसा मत करिए, जैसे आप लगा दिया और दीजिए, ये कर दीजिए, हमारा हमारा जो काम है सर हम बाहर भी कर रहे हैं, दुकान से कोई बात नहीं, दुकान से एक मिनट सर, हम सर हम इस समय थाने के परिसर में खड़े हैं सर, ऐसा रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो और कैसे न्यूज किसी से पूछ कर, न्यूज सबका सब पूछ कर बनेगी, चल बंद कर, आप लोगों ने देखा इस समय जब हम लोग कीर्ति नगर थाने पे थे, कीर्ति नगर से इनको आश्वासन दिया गया कि आपका केस जो है वो मोती नगर थाने के ऊपर में होगा, मोती नगर थाने पे इस समय सामने जो है वो डेड बॉडी लेकर के आए हैं आपके एम्बुलेंस पे, और इस समय जो है वो मोती नगर थाने से जो दिल्ली पुलिस है वो अभी इनको आश्वासन दे रही है कि डॉक्टरों ने जिनके साथ में हाथापाई करी है, ये क्या डॉक्टर का कर्तव्य है कि वो किसी भी पेशेंट या किसी के परिजनों से हाथापाई करेंगे। अभी सामने आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं, अभी परिजनों से बात चल रही है, वो लोग अभी हमें बताएंगे कि आखिर में क्या वजह हुई है और किस वजह से अभी जो है इनकी FIR नहीं लिखी जा रही है। अभी क्या क्या बताया है अभी पुलिस वालों ने, रिपोर्ट लिखवाने के लिए कह रहे हैं, अच्छा, तो अभी आप लोग रिपोर्ट लिख करके दोगे डॉक्टर के खिलाफ में जी, डॉक्टर ने जो है वो बच्चे को बच्चे के साथ और लोगों के साथ मारा पीटी की है, तो इसके इसके बाद एक्शन लिया जाए, अगर हमारे पब्लिक अगर डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं तो उनके पे एक्शन उठाया जाता है ना, डॉक्टर पे क्यों नहीं एक्शन किया गया, कल 6 बजे का डेथ किया हुआ, हम लोग धक्के खा रहे हैं वहाँ पे जो CCTV हुई थी उसके बाद में जब आप लोगों का मोती नगर थाने के अंदर में जब वो लोग पहुंचे थे तो उस समय क्या डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने मारा था, डॉक्टर मौजूद थे क्या, दिल क्या पुलिस वालों के सामने आप लोगों को मारा गया था, डेड बॉडी मांगने के लिए कि जब आप इलाज नहीं चलाए हो तो हमें डेड बॉडी दे दो, तो हमारे बच्चे के साथ मारा गया और बोला गया, अगर साइड में लेकर के बोला गया कि अगर डेड बॉडी बिना उसके चाहिए क्या कहते हैं उसके बिना पोस्टमार्टम के चाहिए तो 50,000 रुपए दो डेड बॉडी लेकर के जाओ, अच्छा ये आचार्य भिक्षु के अंदर में बोला गया था कि डेड बॉडी लेना है तो 50,000 रुपए दे दो जी, तो ये आप लोगों ने हमसे आपसे बोला था, मारने के बात भी कर रहा था कि नहीं देगा ना तो यहाँ से भाग जाने तो इतना मारूंगा ना कि तेरा यही मर जाएगा, तू भी मर जाएगा, तेरा माँ भी मर जाएगा, हॉस्पिटल जो प्रशासन है जो आचार्य भिक्षु का उन्होंने आपसे 50,000 रुपए की प्रशासन सब सर भाग दिया था, उस समय पुलिस प्रशासन निकल गया था, भाग गया था झगड़ा हुआ, अच्छा उसी हम सीधा कहे कि देखो हमारी माँ मर गई, हमारी माँ मर गई, हमारे को लाश दे दो, हम चुपचाप अपना चल जाए, 50,000 दे दो, अच्छा। दे दो, नहीं तो मार के मुंह दूंगा, नहीं तो भाग लो, देखने भी शक्ल अभी तक ले नहीं दे, ये बात सिर्फ ये डॉक्टरों ने बोली थी, हाँ हाँ डॉक्टरों के खिलाफ जो है वो मुकदमा बनता है, तो आप लोगों ने अभी मोती नगर थाने पे आए हो तो पुलिस प्रशासन ने क्या बोला है अभी आपको, अभी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नहीं बोला मुजियोनगर थाना, अच्छा ये पुलिस प्रशासन जो अभी आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं दे रही, कसम से खा रहा हूँ, 1,000 रुपया मैं बीबी पे चला गया, अब बेटे लगा के क्या खा, कुछ नहीं प्रशासन बोला, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी है, अभी वो कह रहे हैं कि आपका जो केस बनता है वो कीर्ति नगर थाने का बनता है क्या, ऐसा ही अभी आप कीर्ति नगर थाने पे थे वहाँ से आपको मोती नगर भेजा गया, क्यों भेजल गया, अच्छा क्यों भेजल गया, आचार्य बिच्छू का जो मामला पड़ता है वो मोती नगर थाने में आता है तो यहाँ पे आपके FIR होनी चाहिए, हाँ यहाँ होना चाहिए FIR के लिए, फिर आप लोग अंदर गए, आप लोग काम अंदर जाने दे, नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं जाने दे, नहीं एक जने को जाने जाएंगे, अभी तो अभी आप लोग एक दो जने जो मेन हो आप लोग अंदर जा रहे हो, आप लोग बात कर, जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा है, अच्छा अभी उन्होंने बोला है अभी जो हमारे सामने की अभी आप लोग अंदर आ जाओ और अंदर आकर उनके खिलाफ तो बुलाया, एक छोटा बच्चा के मेरा बुलाया, छोटे बच्चे को लेकर के गए, तो अभी छोटे बच्चा हो तो नवाली का आपका उसको तो कुछ पता ही नहीं, क्या पता है उसको तो कुछ पता ही नहीं,
आप दोनों भाई रो रहे थे गेट पे, हम लोग झगड़ा भी नहीं कर, हमारा तो मम्मी मर गई तो हम रो रहे थे, हम दोनों भाई को कचार कचार के उसमें मारा, ये लोग सबको बाहर भगा दिया, सब किसी को परिजनों को जो है वो सभी को बाहर भगा दिया गया है। जो आचार्य बिच्छू का जो हॉस्पिटल है ये दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। आपका ये नाम बता दें, ये मामला जो है वो मोती नगर थाने के अंदर में पहुंचता है, इसका जो मेन FIR जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इन लोगों की जो कीर्ति नगर का ही जो मामला है वहाँ पर, हाँ बताइए, यहाँ का कैमरा भी चेक कर लीजिएगा सर। अच्छा, तो आप लोगों का वीडियो भी जो है मारते सब कैमरा वीडियो भी है सर, अभी हम लोग आपको अपने अपने जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो CCTV फुटेज भी जो है वो डाल देंगे। कुछ भी नहीं कर, जब वो मीडिया वाला गया सब पुलिस वाला साइड हो गया, मीडिया के आने के बाद सब पुलिस वाले साइड हो गया, साइड हो गया, डॉक्टर भी साइड हो गया, अब पुलिस भी साइड हो गया, और रोगी के साथ मेरे को नहीं रहने दिया, मैं बोले कि मैं रहूंगी, मेरे को नट्टी में हाथ लगा के डॉक्टर ने खेद दिया। जो बॉडी थी अब जो पेशेंट जो गया था तो उनको आपको नहीं रखने दिया? नहीं नहीं रहने दिया, मेरे को ऐसे ढाल दिया, उसके बाद ढके लगी कोई नहीं रहेगा। आपके गले पे हाथ लगा करके किसने किसने गले पे हाथ लगाया था, डॉक्टर ने लगाया था या किसी डॉक्टर लगाया था? डॉक्टर ने लगाया था। ये सबसे बड़ी एक और देखिए, जो हॉस्पिटल का प्रशासन है उसकी एक और बड़ी नाकामी ये सामने आ रही है, एक उनकी गुंडागर्दी जो है वो सामने आ रही है कि महिला के गरेबान पे हाथ लगा करके उसको जो है वो ढकेल दिया गया, यानी कि उसको धक्का दे दिया गया। आखिर में ये जो हॉस्पिटल का प्रशासन है ये किस तरीके की कार्रवाई करता है परिजनों के साथ और किस तरीके का काम करता है वो पेशेंट के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार हाँ बताइए, आप बताइए। मोती नगर का थाना जब गया पीछे से डॉक्टर का सारा बिलगा दिया। अच्छा, मोती नगर थाना गया तो आप लोगों का मतलब ये आरोप लगा रहे हो कि पुलिस ने जो है सभी डॉक्टर को भगा दिया। ऐसा है, ऐसा दूसरा बात हुआ कि जब हम लोग मौजूद थे तो ये थाने वाला लोग हम लोग के बोल रहा था कि गेट से बाहर निकलो, हम लोग के मरीज उसमें है तो गेट से क्यों बाहर होंगे? बिल्कुल, जब मरीज है आपका तो क्यों आप लोग बाहर होंगे? सही बात है, सब थाने वाला लोग बोले थे कि गेट से बाहर हो जाओ, क्यों बाहर होंगे? हम लोग सभी को बाहर कर दिया। ये अभी हम लोग सर से बात करने की कोशिश करते हैं, एक बारी हम सर से बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकिएगा सर इन लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन, जब पुलिस कुछ नहीं बोल सकती भाई, हम इनकी कंप्लेंट ले रहे हैं उसमें कर रहे हैं कार्रवाई, कंप्लेंट बुला रखा जो कंप्लेंट ले रहे हैं कंप्लेंट कार्रवाई कर रहे हैं, कंप्लेंट लेकर के कंप्लेंट आप लोग ले रहे हैं। ये सर इन लोगों का बहुत बड़ा एक वो हो रहा है कि इन लोगों के साथ में जो है जब पुलिस पहुंची है उसके बाद उनको डॉक्टरों को भगा दिया गया है, जो कुछ भी होगा हमारे सीनियर अफसर को भगा था उसका प्रेस में बता के देंगे। अच्छा ठीक है, ये अभी देख रहे हैं आप कि दिल्ली पुलिस से जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे तो अभी वो लोग सीनियर ऑफिसर के ऊपर में डाल रहे हैं बात को कि आखिर में वो जब कंप्लेंट लिखी जाएगी तो सीनियर ऑफिसर जो है वो कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई होगी इस कार्रवाई को लेकर के जब मीडिया यहाँ मोती नगर में पहुंचती है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि क्या इनकी FIR यहाँ पर दर्ज करी जाती है या नहीं दर्ज करी जाती है। सामने आप देख सकते हैं इस एम्बुलेंस के अंदर में वो बॉडी रखी गई है, उस महिला की बॉडी रखी गई है जिसका एक बच्चा है, तकरीबन 9 से 10 साल का बच्चा है, उस बच्चे को उठा करके पटका गया जिस तरीके से उसके परिजनों ने हमें बताया है। ये अभी परिजन भी हमारे साथ नहीं है, और भी लोग परिजन थे जिन्होंने इस बात को बताया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करी है। आखिर में पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग ये लाइव आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता लग सके कि दिल्ली पुलिस के अंदर में जिस तरीके से लापरवाही के मामले लगातार हम लोग अपनी वीडियो के माध्यम से भी देते हुए आए हैं, आखिर में दिल्ली पुलिस की ये लापरवाही किस हद तक जाएगी, क्या जिंदगी को किसी के मामूली समझ लिया जाता है, किसी भी गरीब इंसान का आखिर में उसका मसीहा क्यों नहीं बन पाते। आखिर में दिल्ली पुलिस के ऊपर जो उठते हुए जो सवाल है वो लगातार हम लोग आप लोगों को ये बता रहे हैं कि अभी सामने बॉडी पड़ी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं है। सामने एम्बुलेंस में ये देख सकते हैं, सामने एम्बुलेंस खड़ी है, एक बार आगे आइए, ये एम्बुलेंस मोती नगर थाने पे है हम लोग, और यहाँ पर जो है बॉडी जो है वो एम्बुलेंस में रखी हुई है। परिजन जो है मोती नगर थाने पे आए हैं बॉडी लेकर के, उन्होंने थाने वाले लगातार ये बोल रहे हैं कि आप लोग बॉडी का अंतिम संस्कार करिए, अंतिम संस्कार होने के बाद ना तो FIR होगी और ना ही हमें लगता है कि कोई कार्रवाई होगी। अगर परिजनों का ये मामला है कि परिजन कहते हैं कि हम बॉडी तब लेकर के जाएंगे जब उन डॉक्टरों के खिलाफ कहीं ना
कहीं कार्रवाई हो, और जब वो कार्रवाई चरण सीमा पर जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से बॉडी लेकर के जाएंगे। बाकी आप लोगों की क्या होगी प्रतिक्रिया, आप लोग हमें बताइए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दिल्ली पुलिस के ऊपर में जिस तरीके से बढ़ते हुए जो सवाल लगातार एक आ रहे हैं कि आखिर में दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही जो सामने आ रही है, इसको किस नजर से आप लोग देखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, जय हिंद जय भारत।